जमुई बिहार के एक ऐसा मंदिर जहाँ की शुरुआत नवरात्रि अगर शुरुआत होता है तो भीड़ से शुरुआत होता है, और नवरात्रि अगर स्टार्ट होते हैं पहला ही नवरात्रि से भीड़ हो जाते हैं। वो भीड़ किस लिए हो जाते हैं पहले वो मैं बताऊंगा। पहले इस नज़ारा को देखिएगा कि बिहार में पहला एक ऐसा मंदिर है जो कि मेला लोग देखे ना देखे, दशहरा लोग देखे ना देखे, लेकिन अगर बात किया जाए तो माता रानी का जो कि दर्शन करने के लोग जरूर आते हैं, दंडवत देने के। यहाँ के अगर बात करें तो सबसे बड़ी फेमस चीज़ है दंडवत। वो आपको मैं अभी गिद्धौर लेकर आए हमारे कैमरे के सामने जो नज़ारा देख रहे हैं, एक बार दिखाइएगा कैमरे के सामने जो ये जो नज़ारा भक्तों का देख रहे हैं। एक्चुअली ये गिद्धौर का एक ऐसे मंदिर है जो लोगों का आस्था जुड़ी हुई है, और भक्तों की अगर संख्या कहें तो फर्स्ट नवरात्रि से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ के कहे जाते हैं कि 12 बजे यानी कि 1 बजे के बाद सुबह से स्टार्ट होते हैं दंडवत लेते लेते 10-8 बजे 12 बजे तक लगभग स्टार्ट होते हैं, चलते रहता है। और अगर भक्तों के बात कहें तो देख सकते हैं हमारे कैमरे के सामने आज माता रानी के 5वां दिन है, आपको बता दूं। और 5वां दिन से इतना सारे संख्या में लोग दंडवत दे रहे हैं, और टाइम के बात कहें तो अभी 8 से 9 बजा होगा, 8 से लगभग, और अभी तक भी भीड़ कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि लोग सुबह से 1 बजे से ही स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट नवरात्रि से ही स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक माता रानी के लास्ट दिन नहीं होता जब तक लोगों का आस्था जुड़ी रहती है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है इस मंदिर में कि जो लोग मांगते हैं माता रानी से साक्षात दर्शन करके तो कहीं ना कहीं उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं। देखिए हमारे कैमरे के सामने लोग दंडवत दे रहे हैं, एक बार इधर दिखाइएगा, आके इधर दिखाइए, एक नज़ारा दिखा सकते हैं। ये देखिए इस लोगों का आस्था और भक्तों का कितना आस्था जुड़ी हुई है, जो कि सामने मंदिर एक बार दिखा दीजिएगा। ये सामने मंदिर है, और मंदिर सबसे बात अगर बड़ी बात कहें तो गिद्धौर एक ऐसा जगह है लोग मेला देखने आए ना आए, लेकिन लोग पूजा करने के लिए माता रानी से दर्शन करने के लिए सबसे बड़ी बात है दंडवत शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाता है। और मैं इन दो ऐसे युवक अभी दंडवत दे के आए हैं, क्या नाम हुआ? अजय कुमार। अजय कुमार कहाँ से आए हैं? मटिया पिपरा बन से। मटिया पिपरा बन से। हाँ। क्या आस्था लेके आए हैं और यहाँ पे आज 5वां दिन है माता रानी के? मैया रानी जानते हैं क्या आस्था लेके आए यहाँ। हाँ, दंडवत के अगर बात कहे दशहरा देखे ना देखे दंडवत देने के लिए लोग लाखों में आ जाते हैं, है ना? आप कहाँ से आए हैं? मटिया से। मटिया से आए आप? हाँ। दोनों मटिया से आए हैं? हाँ। दंडवत देने आए? हाँ, दंडवत देने। पूजा वूजा हो गया सब चीज? ना अभी होगा, पूजा होगा, दंडवत दे दिए। हाँ, तो ये देखिए ये बहुत सारे हमारे माताएं बहने हैं जो कि चाची कहाँ से आए हैं? अभी झाझा से। झाझा से आए? केशोफर का, केशोफर का झाझा। हाँ, आप लोग कहाँ से आए चाची? केवाल फरीता से। केवाल से, यानी कि लोग पूजा करने के लिए दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इस मंदिर से, है ना? केशोफर का सोनो से। मेला देखने आए ना आए, लेकिन माता रानी से दर्शन करने आते हैं जरूर। दंडवत सबसे ज्यादा फेमस है इस मंदिर का, है ना? दुर्गा माँ, हाँ, बहुत कृपालु दयालु है कि माता जी इनके दर्शन करने के लिए बहुत धक्का करके। 60 साल के उम्र है लेकिन तभी कुछ सोचेंगे, 60 साल के उम्र में भी दंडवत देके जा रहा लोग, तभी 60 से बेसी, लेकिन माता जी कहे मिलेंगी तो मिलेंगी, जरूर मिले। एक बार मैं दिखाऊंगा, देखिए कितने संख्या में हैं लोग। और मेले का सबसे बड़ी बात, मेले नहीं, हाँ, सबसे बड़ी बात है माता रानी का आस्था लगा रहता है। दोस्तों मैं कैमरे के सामने दिखा दूं हमारे नज़ारा, ये देख सकते हैं कि कितने संख्या में हैं माताएं बहने हमारे जो कि पूजा कर रही है, और यहाँ के आस्था जुड़ी है माता रानी से, जो कि दूर दूर से लोग दंडवत देने आते हैं। और मेले में अभी 5 से 6 दिन बाकी है, अगर बात कहें तो भाई लाखों की संख्या में भीड़ लगा देते हैं पूजा करने के लिए, दंडवत देने के लिए माता रानी की आस्था। इस वजह से लोग आते हैं कि जो मनोकामना सब कोई का पूर्ण होता है, हम खुद यहाँ के देखे हुए हैं सब चीज़। और इस दुर्गा माँ की अगर बात कहें तो सब देखिए, भाई साहब हैं, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? गिद्धौर। गिद्धौर से हैं आप? कहाँ से आए दादा? गिद्धौर का। गिद्धौर से हैं? हाँ। क्या बोलिएगा माता रानी के महिमा, जो कि लोगों का लाखों की संख्या भीड़ लग जाते हैं? लगते करते हैं उनका कृपा। हाँ, उनका कृपा है। हाँ। शुरुआत दिन से ही लग जाते हैं ना? शुरू दिन से, शुरू दिन लग जाते हैं। 12 बजे रात से, 12 बजे रात से स्टार्ट हो जाते हैं डेली।
छोटू एक बार आना इस साइड आइएगा। देखिए आगे नदी है और आगे वहाँ पे स्नान करके लोग और इस मंदिर तक लोग दंडवत देते देते और उस मंदिर तक पहुँचते हैं। एक बार कैमरामैन इधर इधर दिखाइएगा, यही वो मंदिर है माता रानी के जो कि आस्था लगा हुआ है। तो ये बिहार का एक लौता ऐसा मंदिर है, एक लौता ऐसा मेला लगते हैं यहाँ पे, जो कि इस इलाके का सबसे फेमस मेला लगते हैं और विधौर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचे, वीडियो के माध्यम से एक बार इधर भी नज़ारा दिखाइएगा। और ये जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मेला, मेला में अभी बाकी है टाइम, तब पर भी मेला से कम नहीं है और मेला के जैसा कम नहीं है और अभी बाकी है, अभी 5 ही दिन हुए हैं पूजा का। और अभी और क्या कुछ नज़ारा है वो भी दिखाएंगे आपको कैमरा के माध्यम से, और मेले में क्या कुछ आए वो भी चीज़ दिखाऊंगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं, वीडियो को शेयर करें। और बाकी जय माता दी, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। लव यू ऑल द बेस्ट।